हेलो फ्रेंड्स, मेरा कमल कुमार है और आप देख रहे हैं यूनिक एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ, व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग होते क्या है? आज हम जानेंगे एथिकल हैकिंग वर्ड में कुछ बारीकियाँ जानेंगे और इस इंट्रोडक्शन में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। हमें स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, शुरू करते हैं एथिकल हैकिंग और सीखते रहिए ये यूनिक एजुकेशन चैनल पर। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हैकिंग का मतलब होता है चोरी करना और हैक का मतलब होता है बाईपास करना। जैसे कि एक बड़े होता है जो लकड़ी पे निकासी का काम करता है और अपनी इच्छा के अनुसार उसको स्वरूप देता है। यही बात कंप्यूटर पे लागू होती है हैकर एक डिवाइस को हैक करके जो चाहे वो कर सकता है। और इसके डेफिनेशन है, ए पर्सन हु एंजॉय मॉडिफाइंग हु सॉरी हाउ सिस्टम फंक्शन इज कॉल्ड हैकर। हैकर किसी डिवाइस को हैक करके जो चाहे वो कर सकता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ हैकर। हैकर कितने प्रकार के होते हैं? ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर वो होते हैं जो अपनी स्किल्स का नायजायज फायदा उठाते हैं। ये एक बुरे हैकर होते हैं, इन्हें हम क्रेकर भी कहते हैं। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को बिना बताए हैक कर लेते हैं, उन कमियों को जानकर। ब्लैक हैट हैकर कहलाते हैं। व्हाइट हैट हैकर वो होते हैं जो ब्लैक हैट हैकर की एक्टिविटी को रोकते हैं। एक तरीका से देखा जाए ये सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया जाए, जो साइबर सिक्योरिटी के जो एक्सपर्ट होते हैं, जो वो भी एक व्हाइट हैट हैकर होते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ग्रे हैट हैकर वो होते हैं जो ब्लैक हैट हैकर और वाइट हैट हैकर की एक्टिविटी को दोनों के गुण रखते हैं। आम लोगों में देखा जाए तो ये आम लोगों के सामने सिर्फ वाइट हैट हैकर की तरह काम करते हैं, लेकिन अकेले में ये ब्लैक हैट हैकर की एक्टिविटी करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, सुसाइड हैट हैकर वो होते हैं जिन्हें हैकिंग के मामले में कोई कायदे कानून लॉ पता नहीं होता है। ये पता नहीं होता है जो हम काम कर रहे हैं उसे हमें कितने साल की सज़ा हो सकती है, बस इन्हें तो ये काम में कोई अंजाम देना होता है। फ्रेंड, नेक्स्ट, फ्रैक हैट हैकर वो होते हैं जो मोबाइल में रुचि, मतलब मोबाइल को हैक करना इन्हें अच्छा लगता है, मोबाइल में इन्हें रुचि होती है, सिर्फ मोबाइल को ही हैक करते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हैकिंग में कुछ शब्दों को हम बहुत सुनते हैं, टर्म यूज्ड इन हैकिंग। देखते हैं इन तरीकों से वो शब्दों को कमजोरी होती है। वल्नरेबिलिटी से कहते हैं जो सिस्टम में कमियां होती हैं, लूपहोल होते हैं, उनको हैकर जानकर उस डिवाइस को हैक कर सकता है और जो चाहे वो कर सकता है, वल्नरेबिलिटी कहलाती है। फ्रेंड, रेड टीम उसे कहते हैं जो अलग अलग तरीका है, हैकर को अलग अलग फील्ड में महारत हासिल होती है और एक साथ काम कर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को एग्जाम देते हैं। फ्रेंड्स, तीसरा, नेक्स्ट, टारगेट विक्टिम वो होता है किसी सिस्टम को हैक किया गया हो, ठीक है, टारगेट विक्टिम कहलाता है। चौथा है पैच लेवल वो होता है जो सिस्टम के लूपहोल को कमियों को दूर करना, पैच लेवल कहलाता है। नेक्स्ट, हैक्टिविज्म, पांचवा, हैक्टिविज्म होता है पॉलिटिकल एजेंडे को प्रमोट करना और जो सोशल रीजन और पॉलिटिकल जो बदले की भावना से पैदा होता है, हैक्टिविज्म कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। स्टेप इन हैकिंग आगे आने वाले वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इन हैकिंग के बारे में सीखेंगे, हैकिंग कैसे शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। पहला आता है फूड प्रिंटिंग से पूरी जानकारी करती है। पहला कदम फूड प्रिंटिंग होता है, आगे हम नाम जानते हैं और भी। स्कैनिंग दूसरा, तीसरा है इनोमिनेशन, चौथा है क्रिप्टोग्राफी, पांचवा है वेब हैकिंग, वायरलेस नेटवर्क हैकिंग। ओके फ्रेंड, गुड बाय।